वैसा कोई नहीं है, वो कैसे हो जी
मुकाबला हो सकता है? वो नहीं हो सकता। कैसे बुरे कैसे उल्टा सवाल हम नहीं पूछना चाहते कि ये जो जनता आपको देख रही है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन कर रहे हैं या बाकी भी जगहों से लग रहे हैं कि आखिरकार जो मुदस्सर साहब थे वो काउंटर साइड पे क्या कर रहे थे, इसके बारे में वहां पे उनका ऑफिस है, उसका ऑफिस रियल एस्टेट ऑफिस है, ही इज डीलिंग विद रियल एस्टेट। वो ऐसे काम करता है रियल एस्टेट के साथ, जमीन लेता था, जमीन बेचता था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था, उसने अपना ऑफिस डाला था हैदराबाद जो मुझे वो गया होगा ऑफिस में, वहाँ से वो हैदर क्या नाम था वो कहाँ से आया, लेकिन जो आमिर है वो हमारा मेड था ऑफिस में, वो चाय वाय बनाता था, वो भी कोई ये नहीं था, वो बहाने हल्का लड़का है, सिंपल लड़का है, छोटा लड़का है, उसने कोई गलती नहीं की। मैं जानती हूँ उसको पर महीने ट्रांसफ़र करती थी, उसकी सैलरी 10,000 में उसको ट्रांसफ़र करती थी, वो ईमानदारी से अपना काम वहाँ पर करता था, जो वहाँ पर आते थे ब्रोकर्स वगैरह उनके लिए चाय वगैरह बनाता था, वहाँ पर उसी ऑफिस में रहता भी था, वो कोई गलत इंसान नहीं। मेरा हस्बैंड उसने क्या, मेरी बेटी वो कोई गलत काम नहीं करता था, वो डॉक्टर था, वो कंस्ट्रक्टर था, वो रियल एस्टेट के साथ करता था, वहाँ पे उसका ऑफिस था। ऐसा ये क्या बोल रहे हैं कि एनकाउंटर साइड वो उसका ऑफिस है, वहाँ नहीं होता है। सारा कुक्ड अप है, वो सारी सिविलियन पहले भी किलिंग थी जो मामले से, ये सारा कुक्ड अप है। आई विल टेल यू दिस इज कुक्ड अप, दिस इज ऑल कुक्ड अप, मे बी दे गॉट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब इनको दिखाना था हमने तो कुछ किया है, हमने कारनामा किया, इन्होंने मेरे पति, इनके भाई, हमारे उन छोटे बच्चों को मारा, इन्होंने तीन फैमिलियों को कत्ल कर डाला। ये वो तीन लोग नहीं मरे हैं, ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो मरे हैं, हमारी फैमिलीज में जितने रो रहे हैं वो मरे हैं, क्योंकि हमारे जो बंदे गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। अगर मखन लाल की बेटी इतना रो रही थी, बोल रही थी कश्मीरी पेन से लड़े, मेरा हस्बैंड डॉक्टर था ना, उसके पास पेन ही था ना, उसके पास बंदूक नहीं ना थी, उसके पास गन नहीं ना था, उसको क्यों मारा? मुझे जवाब दो। मैं जवाब पूछती हूँ, मैं मोदी से जवाब पूछती हूँ, मैं अमित शाह से जवाब पूछती हूँ, मैं यहाँ की जो जो गवर्नमेंट है उनसे जवाब पूछती हूँ। मुझे दिखाओ, अगर उसके हाथ में गन था उसने गोली मारी, मुझे भी मारा। अगर वो OGW था, आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, आपके पास प्रॉपर ये है, मुझे दिखाओ। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, सबके सामने मुझे और मेरी बेटी को मैं डिक्लेयर करती हूँ, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो कोई OGW नहीं था। जो मतलब उसका सारा सा कुछ हो रहा था, अगर कन्या बाद उनको वहाँ पे चढ़ाया गया था उस बिल्डिंग में जहाँ पे वाका हुआ है, अगर वहाँ पर जो भी जिंदा थी उससे पहले भी वो जिंदा थी, इनको अब हुआ तब उनको क्यों मारा जाएगा था उसी वक्त उसे उसे पहले भी, और ये लगता है कि ड्रामा कैसा है? अगर विदेशों से पैसे नहीं क्या मांगा, पिछले ग्रैंड वॉर पिछले ग्रैंड में मैं हाँ वाला शख्स मैंने कोई हाँ वाला शख्स मुदाया उसका थॉट मुदाया ना पत्र भी सारे क्रेटा वाले टेररिस्ट है, सारे ऑफिस वाले, जैम कैश है वहाँ पे, AM टाटा है वहाँ पे पंजाब आयरन मंडी है, वहाँ पे शेवरोले का शोरूम था, वहाँ पे रॉयल, उसका मतलब है उनके पास ऑफिस है, वो भी टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, वो OGW है। मेरा हस्बैंड कैसे OGW है? वो कैसे OGW? मुझे उसकी मुझे एक परमिशन मांगी, मैं मोर हूँ ना, मैं वहाँ ही सुबह वापस, मैं वहाँ पे आर्मी हुई, आर्मी की गाड़ी होगी, कहाँ से ये चीज़ है? वहाँ उसके ऑफिस के बाहर होती है इनकी गाड़ी होती है, वहाँ पे 100 लोग होते हैं, वो वहाँ पे गाड़ी भी पार्क नहीं करने देते, फिर ये कहाँ से OGW बन गया? 3 साल से इसका ऑफिस है वहाँ, प्रेस कॉलोनी में आज ये मेरा भाई मर गया, कल मुझे मरना है, परसों इसको मरना है, एक एक करके मारेंगे, लेकिन हम ऐसे मरने वाले नहीं है। जब बमबारी कर लो, मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं भी उनको सर फहरा दूंगा। वो अलग अलग देते हैं IG साहब, अलग अलग, पहले अल्ताफ मिलिटेंट एसोसिएट था, फिर एसोसिएट नहीं रहा वो, नहीं जी आप वो सिविलियन है, डेड बॉडी सोडा, हम उसके आखिरी रसूमत अदा करें, उसके बच्चों को दिखाएं, हमें तड़प नहीं रहेगी, हम ह्यूमन बींग नहीं है,
हम इवेंट में नहीं है, आईजी बैठा है कुर्सी में। कल हम सवेरे 11 बजे से हम एक दफ्तर को छोड़ के दूसरे दफ्तर जा रहे हैं। शाम 5 बजे हमको बोला गया आप जाओ, आपको फोन आएगा। कौन सा फोन आया? हम पागल है? अगर हमको मरना है तो हमको मार दो, इतनी मार दो, हम घर नहीं जाएंगे यहीं से। फिर आप उनको लाश अपनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर मिट्टी डालो यहीं से, बात खत्म। उनको कश्मीर चाहिए, ले जाए कश्मीर, हमें कश्मीर नहीं चाहिए। और हमारा भाई मरा है, कोई और मरेगा।